तो गाइस इधर हमारा आज वसीम भाई के साथ खाने पीने का प्रोग्राम है, ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है, कैसा फील हो रहा है? यार इधर तो पूरा बड़ा नज़ारा है हमारे, तो आज इधर बड़ी ग्रीनरी है, धुंध वगैरह। यार वसीम भाई आज तो पूरा सामान लेके आ गया तू। भाई ने कहा था तो यार जाहिर सी बात है कि आपको चाय की तरफ है। अच्छा अच्छा, वाह, सिलेंडर भी लेके आया है भाई, हमने पूरी धमाल मचा दी है यार। गाइस ये देख ले, सड़क बन रही है, कच्चे रास्ते, और हम जा रहे हैं यार वसीम भाई। हमने सोचा कि हम कोई जो है ना आगे जाके करते हैं। ये ग्रीनरी देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मैं तो शापर खोले, मेरे बो आ रही है, मैं कह रहा हूँ यार मेरे बो आ रही है। क्या आपको पता था ये चीजें सब मैं जो है ना बैग में लेकर आया हूं, ये सारा कुछ साथ लेके आ गए वसीम भाई? क्या आपको पता था? इस अंदाजा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं था। और हमने सोचा कि यहाँ चाय शाय बनाते हैं और पीते हैं। आज मैं वसीम भाई को अपने हाथों से चाय बना के देने वाला हूँ। साजिद एक बात बताओ यार। पूछे सर पूछे। कैसा लगा वैसे ये मेरा जो है ना फर्स्ट सरप्राइज तुम्हें देने का? यार ये जो आपने आज, अच्छा मुझे नहीं पता था कि आपने चाय शाय का भी कुछ साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है, मुझे नहीं। वसीम यार ये माशाल्लाह चाय शाय आप मुझे बना के पिला रहे हो, ये बड़ा अच्छा। देख लो उबल ना जाए कहीं। नहीं नहीं अभी, अच्छा ठीक है, चाय शाय बन भी रही है। वाह यार भाई, चाय शाय चेक करो होगी। भाई चाय अभी थोड़ा सा टाइम है यार, मुझे लग रहा है बड़ी मजेदार चाय पक रही है। भाई चाय का टेस्ट बड़ा जबरदस्त है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह चाय। यस ब्रो, ओह जबरदस्त यार, ग्रेट। आपका तो जो है ना वो कप के साथ पूरा प्रॉपर आ रहा है, मेरा जो है ना नहीं आ रहा। दोस्तों अपनी चाय रेडी हो चुकी है, अब क्या है कि कपों में डालनी है और चुस्की ले लेके पीनी है। आज हमारा पहला दिन था, एक्सपीरियंस था कि कैसा रहता है। साजिद भाई मेरा ख्याल एंजॉय कर रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसा प्लान बिल्कुल नहीं था। उन्होंने चाय की बात की तो मैंने उनके आगे चाय हाजिर कर दी। ऊपर रखे नीचे, मसला ये है। अच्छा तो गाइस पता ये भी मसला है, एक मसला और बता दूं। सारा सामान वसीम भाई लेके आ गए हैं, सारा सामान। आइए एक चीज भूल आए हैं, वो क्या, वो पौनी नहीं होती जिसे चाय पुनते हैं, साफ चाय होती है जिसे, वो नहीं लाए। और ये भी नहीं, एक और बात है वो भी भूल गए हैं। अब ये गरम पतीली कैसे उठाएंगे? अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा जो एक्सपीरियंस था, लेकिन हमारा जो देसी बंदे हमेशा जुगाड़ लगाने में माहिर हैं। जेब में रुमाल था, नाक मूंझने के लिए, और ये पतीली उठाने के लिए काम आएगा। बहरहाल ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार। वसीम भाई मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ, ऐसे बंद किया इसको। तो गाइस इस तरह का माहौल है ना, यकीन करे बड़ा मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। ये वसीम भाई ने अब चाय हमें पका के जो है ना पिलानी है, टेस्ट करते हैं क्या हो जाए। हाँ तो वो हो गया ना यार, शरारे डाल चाय दे रहा है भाई वसीम हमें। ये दिखा दूं आपको, देख लें जरा, भाई वसीम चाय डाल रहा है, चेक करें जरा। पौनी नहीं है हमारे पास, वैसे ही पियेंगे अब ना, पौनी है गाइस ना पौना है, दो चीजें नहीं है। और हम खाने पीने के लिए कुछ सामान भी साथ ही लेके आए। है ना यार वसीम, अब तुमने बर्तन ही धोने हैं। बर्तन धोने के लिए, कप धोने के लिए पाइप वसीम का रखा हुआ है हमने। मैंने सिर्फ चाय शाय पीनी है, खाना चाय शाय का हमारा तो हो गया सारा। तो गाइज हमने यहाँ पे कुकिंग चुकिंग जो भी करनी थी कर ली। पीछे आप देख सकते हैं बर्तन पड़े, सरस भाई साइड पे हो जाओ ना, ये देख लें बर्तन शर्तन हमारे पड़े हुए। यहाँ पे आके हमने वसीम भाई ने मुझे चाय शाय बना के पिलाई, बड़ा मजा आया। वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है व्लॉग का वो कहाँ पे होना चाहिए? आगे भी नेक्स्ट जो है ना प्रोग्राम हमारे होंगे, तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि जिस मिशन पे हम दोनों भाई चले हैं अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। यूट्यूब के ये भी शौकीन है और वीडियो बनाने के हम भी शौकीन हैं। जाहिर सी बात है जिस काम को मकसद को लेके चलेंगे वो उस पर कामयाबी होगी, लेकिन दिल से। क्यों साजिद भाई? बिल्कुल। इधर नहीं फेंकना। जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, इस निकम्मे बंदे की बात पे आप थोड़ा सा अमल करके देखें, कुछ ना कुछ आपको हासिल ज़रूर होगा, मिलेगा। कि जिस जगह पे हम बैठते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, अपने इर्द गिर्द के एरिया को भी साफ रखें। अपनी सफाई तो पहले है, लेकिन जिस जगह पे बैठना है ना, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें अपने आप से सोचते हैं, कुछ हमें इलम कुछ तलीम बताती है और कुछ जानवरों से भी हम सीखते हैं कि जानवर बड़े समझदार होते हैं ना। बिल्ली कुत्ता ही बैठता है तो अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, पूँछ मारता है, तो हम तो इंसान हैं यार।